और इस बीच हमारे पास आ रही है एक और अहम खबर। गृह मंत्रालय में इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है और ये पूरा मुद्दा है, पाकिस्तान ने जिस तरह से पलटी मारी है उस पैंतरे पर गृह मंत्रालय सख्त हुआ है और एक हाई लेवल मीटिंग इस बीच चल रही है। हाल ही में पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट हमलों की जांच करने के लिए भारत आई थी, लेकिन उसके बावजूद एक बातचीत भी अहम होनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन कल ही अब्दुल बासित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम ऐसी बातें की जिसके बाद बातचीत की इस पूरी प्रक्रिया को ठेस पहुंची है, लगभग निरस्त हो गई। इस बैठक में कई अहम अधिकारी शामिल हैं, हाई लेवल मीटिंग ये चल रही है। खबरें ये भी थी कि भारत की एनआईए पाकिस्तान जाएगी जांच को लेकर, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर ये एक अहम बैठक गृह मंत्रालय में चल रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक हो रही है जिसमें आईबी चीफ मौजूद हैं। इसके अलावा कई और बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, एनएसए इस बैठक में मौजूद है और अब यहां से रणनीति पर यही विचार किया जाएगा कि आगे पाकिस्तान के साथ किस तरह से रिश्ते बढ़ेंगे, क्योंकि उन कोशिशों को यहां पर ठेस पहुंची है जो शांति प्रक्रिया और आतंकवाद से दोनों देश कैसे निपटेंगे इसको लेकर एक साझा रणनीति जो बननी थी सीधे सीधे पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अभी कितनी देर हुई इस बैठक को शुरू हुए और क्या कुछ निकलने की उम्मीद है? करीब 15 मिनट के आसपास ये बैठक शुरू हुए हो गई है और इसमें बैठक अभी इस वक्त चल ही रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आईबी चीफ भी इस बैठक में मौजूद हैं। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने जो रुख बदला है खासतौर पर आतंकवाद को लेकर के और पठानकोट एयरबेस में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान की डीआईटी भारत आई थी और उस दौरान जिस तरीके से डीआईटी ने जांच किया और भारत से पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान का जो रुख बदला है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार जो है वो इसको अब किस तरीके से आगे लेना है, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे जिस पर पहले से ही बातचीत हो चुकी थी पाकिस्तान सरकार के साथ और उस पर चर्चा करनी है। इतना भारत ने एक्सेस पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर अब भारत आगे कैसे बढ़ता है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सूखे को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? बट देन आई डिसाइडेड टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नाउ फील आई लुक लाइक नथा। बट डोंट यू वरी द शो लुक्स फाइन।